दोस्तों 2020 में बहुत सारे स्मार्टफोन ट्रेंड 5G फोन लेकर आएगा। वीवो भी एक 5G स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया है, वीवो Z6 5G 23,000 रुपीस के आसपास, और ये बहुत ही जल्दी इंडिया में भी आएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीवो Z6 5G इंडिया में कब आएगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ चाइना में लॉन्च किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। शुरू करते हैं दोस्तों इसका डिजाइन से। इसका डिजाइन काफी अच्छा है, बैक साइड की तरफ ग्लॉसी लुक दिया है, ड्यूअल टोन कलर देखने को मिलता है। सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे जो कैमरा का जो पोजिशन है आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी 2020 में जो सारे स्मार्टफोन आ रहा है इस कैमरा सेटअप के साथ आ रहा है, इस स्टाइल के साथ आ रहा है जो कि यहां पे आप देख सकते हो। और बैक साइड की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों फ्रंट साइड की तरफ देखोगे 6.57 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दिया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिया है। और यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो पंचोल सेल्फी कैमरा है, जिसके वजह से जो डिस्प्ले है वो फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा। नीचे जो चेन है, साइड में जो विजल्स है वो भी काफी छोटा छोटा यहाँ पे दिया है। अगर आप प्रोसेसर के पास देखोगे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट दिया है जो कि 7 नैनोमीटर में बेस्ड है, ऑक्टाकोर चिपसेट है, एड्रीनो 620 GPU के साथ रन करता है। जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा मिलेगा और यहाँ पे पबजी आप अल्ट्रा HDR करके भी खेल पाओगे। फोन इंडिया में आने दो, मैं खुद पबजी टेस्ट करूंगा, मेरे गेमिंग चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो बारीकी से बताऊंगा गेमिंग के बारे में। तो उसके लिए जरूर इंतजार करना, इंडिया में फोन आएगा तब जाके मैं गेमिंग रिव्यू करूंगा, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना। कैमरा के पास देखोगे बैक साइड की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप दिया है, जो प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर के साथ आता है, 64 मेगापिक्सल नहीं दिया है, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर अल्ट्रा वाइड लेंस, जो थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और फोर्थ सेंसर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एनेबल करने के लिए यूज किया जाएगा। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ कैमरा सैंपल दिया है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी ये रियल है या फेक है वो मुझे पता नहीं है। इंडिया में फोन आएगा मैं खुद कैमरा टेस्ट करूंगा और मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। यहाँ पे दोस्तों काफी पावरफुल बैटरी दिया है, 5000 mAh की बैटरी दिया है, 44 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया है। और वीवो यहाँ पे दावा करता है कि 35 मिनट्स में 70% चार्ज करके दे देगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और 44 वाट चार्जर बहुत ही फास्ट है, क्योंकि दोस्तों अभी 20,000 रुपीस के आसपास 30 वाट आना शुरू हो गया है और मैं खुद टेस्ट कर चुका हूं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं काफी फास्ट होता है, तो चार्जिंग के मामले में आपको शिकायत नहीं रखेगा। और जो बैटरी है वो भी काफी पावरफुल है, मतलब आपको 2 दिन आराम से चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों वीवो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी दिया है, टाइप सी, डेडिकेटेड सिम स्लॉट, आउट ऑफ बॉक्स, एंड्रॉइड 10 का अपडेट, UFS 2.1, तो सब कुछ दिया है। ये सब कुछ के मामले में वीवो आपको निराश नहीं करेगा। अभी दोस्तों स्टोरेज एंड प्राइस के बारे में बात करा जाए, दोस्तों जो 6GB 128GB और 21,000 रुपीस के आसपास चाइना में लॉन्च किया है, यानी कि इंडिया में भी 20 या 21,000 रुपीस के आसपास आएगा। और जो 8GB 128GB वो दोस्तों चाइना में लॉन्च किया है 25,000 रुपीस के आसपास। तो मैं कहूंगा वीवो की तरफ से ये एक डिसेंट फोन है, आप इसको ले सकते हो जब इंडिया में आएगा। ऐसे भी इंडिया में आने के बाद मैं रिव्यू बनाऊंगा, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना। और दोस्तों ये इंडिया में मार्च या अप्रैल के मंथ में इंडिया में आ जाएगा, तो काफी अच्छी बात रहने वाला है। और इस चैनल में अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना आपके दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।